गुड मॉर्निंग मिस युंजा। कमाल साहब गुड मॉर्निंग, कैसी है मिसाल आप? प्लीज आप कैंटीन में कह दें कि इसका ब्रेकफास्ट तैयार कर दें, आधे घंटे में खाना है इसे। जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अभी रेडी करवा देती हूँ। थैंक यू युंजा। ये तो शहरी आपा ने छुट्टी कर ली तो उसकी शक्ल देखने को मिल गई, बहुत मिस कर रही थी मैं इसे, मेरी प्यारी साइलेंट प्रिंसेस। चले ठीक है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ब्रेकफास्ट जी मैं लेकर आती हूँ। फाइनली, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट एक महीने में खत्म हो जाएगा। एक महीना? जी हाँ, हमने काफी डिटेल में वर्किंग की हुई है इस पे, डेडलाइंस की तरफ से आप बेफिक्र हो जाएं। आपके डॉक्यूमेंट्स मैंने पूरी तरह से देख लिए हैं, मगर ये एक महीने वाली बात रियलिस्टिक नहीं लग रही मुझे। एक्सकेवेशन में हमारी स्पेशल वर्किंग है कमाल साहब, इन पेपर्स में बहुत से रेफरेंसेस हैं मौजूद। रेफरेंसेस मैं देख चुका हूँ, लेकिन आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, क्या आपने डेडलाइन की कमिटमेंट में कुछ जल्दबाजी दिखाई है? एक्साइटमेंट तो होनी ही है, जाहिर है तरुण होल्डिंग्स के साथ काम करने का मौका मिलना कोई मजाक तो नहीं। एक्साइटमेंट हर मौके पर ठीक नहीं होती, या आपके आइडियाज और रिजल्ट्स पर भी असरअंदाज होती है, इसलिए आप ये ओवरलुक कर गए कि स्टोरेज यार्ड की गुंजाइश ओवरफ्लो हो जाएगी। 10,000 ट्रक्स 30 डेज में अपलोड करना मुमकिन नहीं, इसके लिए कम अज कम 45 डेज चाहिए होंगे। देखिए आप स्टाफ, एक्सक्यूज मी, थोड़ा वेट करें, मैं अभी आता हूं। अस्सलाम वालेकुम भाई। हेलो भाई, हेलो कमाल भाई, खैरियत तो है? आवाज ठीक नहीं लग रही आपकी। नहीं ठीक हूं मैं, तुम तो मशाल में ही खो गए बिल्कुल। जी बस भाई, आमिर की शादी पर आ रहे हो ना? भाई मैं जानता हूँ, जावेदा से तुम्हारी नहीं बनती, इसीलिए नहीं आना चाहते ना। भाई आपके घर की पहली खुशी है, बस किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो। आमिर की खुशी में शरीक होना चाहता हूँ, मगर उसे अलग से विश कर दूंगा। तुम ठीक तो हो ना बेटा? फिक्र मत करो, हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। इस वक्त कहां से आ गई चेकिंग? गुड मॉर्निंग ऑफिसर। गुड मॉर्निंग। हॉस्पिटल ले जा रहा हूं बच्ची को। आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, यहां चेकिंग चल रही है, आगे रोड बंद किया हुआ है एक डकैती की वजह से। मेरी बेटी को तेज बुखार है, मुझे फौरन से अस्पताल लेकर पहुंचना है। सर पहले मुझे अपने सीनियर से परमिशन लेना होगी, फिर आप जा सकते हैं। रोड ब्लॉक करके पकड़ लिया तुमने डाकू। बस बेटा 2 मिनट में चल रहे हैं। ये लो सेब खाओ, शाबाश। पता है तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन मजबूरी है। ये गाड़ी वाला कुछ जल्दी में, इसे हॉस्पिटल पहुंचना है। मैंने सारे कागजात चेक कर लिए हैं। ठीक है, क्या मैं इन्हें जाने दूं? हाँ ठीक है, तुम देख लो। कम ऑन गाइस, बस करो, चेकिंग हो गई, रोड क्लियर करो, मुझे निकलना है जल्दी।
खुश आमदीद जैमरा मैम। जावेदा मैम अपने रूम में है, बताती हूँ उन्हें। उनसे मिलने नहीं आई। रियान एक मिनट जरा, कुछ देर बात कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, मेरी मेहमान आई हुई हैं। बस छोटी सी बात है, और सॉरी भी करना चाहती हूँ कल की बात के लिए। सिर्फ 5 मिनट ही तो चाहिए, मान जाओ। रियान, असल में बात यह है, मैं बिल्कुल वैसी नहीं जैसा तुमने देखा। देखो, सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है तो बस मैं नर्वस हो गई। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, यकीन करो। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। असल में तुम पर गुस्सा नहीं है मुझे, आमिर को खो देने का डर है। शादी हो जाने से बचपन की दोस्तियां तो खत्म नहीं होती है ना। रियान, मैं और आमिर सिर्फ फ्रेंड्स नहीं है, हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन उन्होंने तो बताया था कि आप दोनों सिर्फ दोस्त हैं। जब मामलात कॉम्प्लिकेटेड हो गए, रास्ता ही नहीं बचा आमिर के पास। हम इतने सालों से साथ रहे और हमेशा से एक दूसरे के साथ शादी का ख्वाब देखते रहे, रही है। अपने ही ख्यालों को हकीकत बनाकर दिखा रही है। हाँ, मगर इतने सालों तक क्यों छुपा के रखा आप दोनों ने? हिकमत अंकल की वजह से। उनका और आमिर का हर वक्त इख्तलाफ रहता है, मुनासिब वक्त का इंतजार करते करते पता ही नहीं चला, और जब हम बताने ही वाले थे तो तुम आ गई अचानक। उस दिन, ऐन उसी दिन, वही दिन था जब हम अपनी फैमिलीज को बताने वाले थे कि हम शादी कर रहे हैं, अम्मी और हिकमत अंकल को। मैं समझ नहीं पा रही कि क्या कहूं। रोई मत प्लीज। आमिर के बगैर नहीं रह सकती रियान, और मुझे डर है कहीं फ्रस्ट्रेशन में आमिर अपने साथ कुछ करना बैठे। तुम नहीं जानती उसको बिल्कुल। एक बार हमारा जरा सा झगड़ा हुआ, उसने गुस्से में कार का एक्सीडेंट कर दिया। वाकई इतना गुस्सा आता है आमिर को? मैं परेशान हूं कहीं वो फिर से ऐसा कुछ ना कर बैठे रहे। हिकमत अंकल के सामने तो वो एक लफ्ज नहीं कहेगा, मैं जानती हूं, मगर जरूर कुछ ऐसा वैसा कर लेगा अपने साथ। मैं जानती हूं मामू जान एक समझदार इंसान है, जाहिर है वो अपने बेटे की खुशी ही देखना चाहेंगे। आप उनसे बात क्यों नहीं करती? उनसे बात करने का कुछ फायदा नहीं है, हिकमत अंकल हमेशा अपने फैसले करते हैं। अगर तुम बात करो उनसे, मदद करो हमारी, इस शादी से आमिर और मैं जिंदगी भर अजियत में रहेंगे। भला मैं क्या कह सकती हूँ? कह तो तुम कि शादी नहीं करना चाहती। हाँ,
हिकमत अंकल आमिर को तो मजबूर कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं कर सकते। मैं इतना सोच लो, ये आमिर की जिंदगी का मामला है रेहान। माफ कर देना मुझे, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूं। यकीन है तुम्हें? तो फिर आगे जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी, भूलना नहीं तुम। टीवी ड्रामों में भी ऐसे डायलॉग नहीं होते, पागल ही हो गई है ये बिल्कुल। कसम खाई है मैंने, वादा कर चुकी हूं। मैं कितना परेशान हो रही थी, कहां थी तुम? जमरे मेरी जान, क्या हुआ बेटा? आइंदा आपके कहने पर नहीं चलूंगी जावेदा आंटी, वो तो पक्की है। हिकमत अंकल से कैसे कहूं मैं शादी नहीं कर सकती। बहुत बदनसीब है वो एक ऐसे शख्स से शादी कर रही है जो किसी और को पसंद करता है। अरे ये तो हमने झूठ बोला था, आमिर और वो भी मुझसे प्यार, मैं तो उसके लिए कुछ हूँ ही नहीं। आमिर? आमिर तो तुम्हें अहमियत देता है। अच्छा दफा करे बस, जैसा आपने कहा मैं कह चुकी हूँ। मैं कैसे गिड़गिड़ा रही थी उसके सामने और वो। जमरे ये सब तुमने मोहब्बत में किया, आमिर के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने की खातिर किया। इनफ, आमिर के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने का ख्वाब आपने दिखाया था, आप ही ने उम्मीद दिलाई थी। आपको ये बात समझ आई? ठीक है, इनफ। जमरे मेरी जान, मेरी बच्ची, देखो मेरी बात सुनो। तुम गुस्से में हो इस वक्त, पहले इजी हो जाओ तुम, ताकि आराम से बात कर सके। नहीं होगी शादी, देखना प्लीज जमरे, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो क्या करूँ अब, वो लड़की पीछे नहीं हटेगी। मैं अपने तरीके से बात करूंगी, मान जाएगी। तुम मुझ पर यकीन रखो। निकार, तुमने हर एक कोर्स की अलग अलग ड्यूटी समझा दी हैं? समझा दी है जावेदा मैम, ये लड़कियां सर्विस में हेल्प करवाएंगी और किचन के लिए दो वर्कर और हैं। वेरी गुड। मैं अपने इकलौते बेटे की शादी कभी भी इस तरह नहीं करना चाहती थी। ये निकाह हमारी पूरी शान शौकत के साथ होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हो रहा। लड़की वालों से मिलना जुलना तो दूर की बात, मैंने देखना भी पसंद नहीं करती। मॉम, मुझे तुमसे बात करनी है। आमिर देखो, आमिर ये निकाह हरगिज नहीं होना चाहिए। फिर से वही बात कर रही हैं आप। पहले कब बात हुई तो तुम बात करने से कतरा रहे हो, मगर अब तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। अपने बाबा के पास जाओ और जाके कहो कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ मॉम, अपना फैसला सुना चुका हूँ मैं। तुम उसके साथ खुश नहीं रहोगे, तुम अपने फैसले पे पछताओगे, तुम्हारा उसके साथ कोई जोड़ नहीं। अब वापसी का रास्ता नहीं बचा कोई, बेहतर होगा आप ये बात कबूल कर लें। आमिर मेरी जान, अभी इनका नामा पे साइन नहीं हुए, जाओ चले जाओ, तुम अब्रॉड चले जाओ, तुम्हारे बाबा का गुस्सा खत्म हो जाए तो वापस आ जाना।
त्याग कर रहे हो आमिर, त्याग कर रहे हो तुम। दूल्हा मियां, निकाह का गवाह हाजिर है, आमिर साहब के ऑर्डर का मुंतजर। यार तंग मत करो जफर। ओ भाई, निकाह है आज तुम्हारा, लग रहा है फांसी चढ़ने जा रहे हो। फर्क क्या है दोनों में? अपने हाथों से अपनी जिंदगी के खात्मे के डॉक्यूमेंट पर साइन करने जा रहा हूं मैं। तो मना कर दो ना, अभी अभी तो नहीं किया ना साइन। देखो, इसके बाद कोई यू टर्न नहीं है रोड पर। एक बार साइन कर लिया, दी एंड। मेरे यार पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा, समझे? मैं हर सूरत यह साबित करना चाहता हूं कि डैड का फैसला गलत था, वापस नहीं जा सकता। ये क्या है? दूल्हे का खास जोड़ा है, अर्जुरम वालों का रिवाज है ये। पजामा बहुत आला है। हिकमत साहब, आपका बेटा फाइनली शादी पे राजी हो ही गया। जी हाँ, लगता है अल्लाह की भी यही मर्जी है। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। दुल्हन को देखने की बेचैनी हो रही है। तैयार हो रही है, बस आती ही होगी। चले, जहाँ इतना वेट किया है थोड़ी देर और सही। आमिर, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत खुशी हुई है हमें आमिर। एक्सक्यूज मी, अभी आती हूँ। वक्त गुजरता जा रहा है जावेदा आंटी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने सोच लिया है। रजिस्ट्रार आ गई है मैडम। जेमरे, अगर तुम इजी फील नहीं कर रही तो हम चले चलते हैं वापस। क्यों? ठीक हूं, आई एम ओके। निकाह में शिरकत के लिए तुम्हारा इंसिस्ट करना बिल्कुल स्टुपिड बात थी। यहां नहीं आना चाहिए था हम दोनों को। अम्मी, जेमरे, जफर का पता है कब तक पहुंचेगा? बात हुई है, पहुंच जाएगा। जावेदा मैम, ये लिस्ट तैयार है, आप एक नजर देखेंगी? लाओ दिखाओ। हाँ, ये ठीक है, अब तुम जा सकती हो। मलिक है, रेहान को कुछ ज्यादा ही देर लग रही है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं हिकमत साहब, नहीं, कोई मसला नहीं है। दूसरे के साथ शादी का ख्वाब देखते रहे। आमिर के बगैर नहीं रह सकती रेहान। इस शादी से आमिर और मैं जिंदगी भर अजियत में रहेंगे। कहते तुम कि शादी नहीं करना चाहती। अम्मी,
कभी सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। आपकी बेटी दो प्यार करने वालों के बीच आ गई। मैंने अगर मामू जान से वादा नहीं किया होता तो एक मिनट भी नहीं रुकती मैं यहां। कैमरे मैम और आमिर साहब तो एक दूसरे से प्यार करने वाले निकले। नहीं मेरी जान, मेरा ख्याल ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले मुझे भी यकीन नहीं आया, इतनी बातें कही उन्होंने। हाँ बचपन से प्यार करते हैं ये भी कह रही थी। हिकमत साहब के डर से इजहार नहीं कर सके। खुदा जाने भाई, रोज तो साथ साथ होते हैं, छुट्टियों में घूमने फिरने साथ जाते हैं, पिकनिक वगैरह पे भी साथ होते हैं। ये तो है। एक बात अजीब लगी, हिकमत साहब से तो चलो छुपा लिया, समझ में आता है, जावेदा मैम से मगर क्यों छुपाते रहे? उन्हें अगर पहले पता होता कि वो एक दूसरे को चाहते तो खुशी से पागल ही हो जाती। तुम्हें यही वक्त मिला था फजूल गप्पे मारने के लिए निकाल? सैफर से बात कर रही थी मैं महल के आपा। तुम बात नहीं कर रही हो, झूठ बोल रही हो। शर्म करो, जिसके लिए बातें कर रही हो उसका निकाह होने वाला है। महल के आपा ख्वामखा गुस्सा हो रही हैं आप, और अगर ये झूठ है भी तो उसे फैलाने वाली मैं नहीं जैमरे है। क्या जैमरे? जैमरे ने रयान से कह रही थी, मैंने खुद सुना। क्या मतलब जो कुछ भी उसने कहा वो सब झूठ है? हाँ बिल्कुल, वो दोनों बचपन के दोस्त हैं बस, और आमिर सिर्फ उसे दोस्त मानता है, कसम खा सकती हूँ मैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा कि आप कह रही हैं, मगर वो रो रही थी। ओके ये बात खत्म हो गई, बस मेहमान आ गए हैं, हर कोई तुम्हारा मुंतजर है, चलो रेडी हो जाओ। शाबाश। इतना मत सोचो, तुम किसी को किसी से नहीं छीन रही हो, ठीक है? तुम यहां से बाहर जाओ। रियान को तैयार करवाना है ना? मैंने कहा तुम यहां से बाहर चली जाओ। क्या करेंगे? खामोश, मैं बोलूंगी और तुम सुनोगी वो सब जो मैं कहूंगी। इतने साल आमिर को पाला पोसा है मैंने, दुनिया की बेहतरीन तरबियत दी है, उसकी अच्छी तालीम के लिए अपनी खुशियों को भी कुर्बान करने से गुरेज नहीं किया, लेकिन ये सब कुछ मैंने तुम जैसी गंवार देहाती लड़की के हवाले करने के लिए नहीं किया। लेकिन मैं तुमसे पहले इतने साल तुम्हारी माँ इस घर में रही, माँ जैसी हस्ती मरियम आपा। कितनी मुश्किल से उससे हमारा पीछा छूटा, और अब तुम्हें मुसल्लत कर दिया हमारे सरों पर। हाँ तुम्हारी माँ से चिढ़ती थी, मगर तुमसे तुम नफरत करती हूँ, तुमसे नफरत करती हूँ। मेरे बारे में जो कहना चाहती है कह ले, अम्मी के बारे में कुछ नहीं कहे, वो जा चुकी है। तुम्हारा और आमिर का जोड़ ऐसा है जैसे मखमल में डाट का पैवंद। तुम्हारा निकाह किसी सूरत नहीं होगा, तुम्हारे मुंह से हाँ का लफ्ज हरगिज नहीं निकलना चाहिए। याद रखना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो नताइश की जिम्मेदार तुम खुद होगी। तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दूंगी, तुम मौत के लिए भी तरसोगी। तुम मेरे बेटे को बर्बाद करोगी, मतलब मुझे बर्बाद करना चाहती हो? मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी, याद रखना तुम। समझ आ गई तुम्हें? नहीं तो तुम्हें भी मरियम के पास पहुंचा दूंगी, नहीं तो तुम्हें भी मरियम के पास पहुंचा दूंगी। वेरी गुड, तो अब फौरन अपनी शक्ल लेके इस घर से दफा हो जाओ। और हाँ, हिकमत को हमारी इन बातों का एक लफ्ज भी नहीं पता चलना चाहिए, वरना तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी।
हिकमत साहब, हमें देर हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, बस दुल्हन आने ही वाली है। सब ठीक तो है ना जावेदा साहिबा? जी ठीक है सब। जाहिर है तैयारी करते हुए देर लग जाती है, दफा हो चुकी है तक, खासकर जहां फिर हम शुरुआत करते हैं। दूल्हे साहब, आप अपना नाम बताइए। आमिर तारहून। दुल्हन साहिबा, आप भी अपना नाम बताइए। रेयान पुलात। अच्छा जी, तो जनाब आमिर तुरहुन साहब, बताइए आपको रेयान पुलात के साथ निकाह कबूल है? आप रेयान पुलात, बताइए कि आमिर तुरुन के साथ आपको निकाह कबूल है? रेयान साहिबा, जवाब दीजिए, क्या आपको आमिर तुरुन के साथ निकाह कबूल है?
कबूल है। क्या आप फिर कहेंगी बुलंद आवाज से कि आपने आमिर साहब को अपने शौहर के तौर पर कबूल किया? कबूल किया। मैं मुमलिकत की दी हुई अथॉरिटी के बुनियाद पर गवाहों और मौजूद मेहमानों के दरमियान आप दोनों को शोहर और बीवी करार देती हूँ। रियान साहिबा, यहाँ साइन कर दें। साहब आप भी कर दीजिए। गवाहन भी दस्तखत कर दें। अल्लाह दोनों को हमेशा खुश रखे। इस नए जोड़े को मुबारकबाद देते हुए ये नए घर की बुनियाद यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट मैं दुल्हन के हवाले करती हूँ। अल्लाह सबको मुबारक करे। दुल्हन को किस करते हैं? खबरदार किया था, अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। जहन्नुम में खुश आमदीद।